हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम दीप, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में स्टार टैंक की। और आज हम पढ़ने वाले हैं FCERT की ये सीरीज जो हमारी चल रही है। इसमें हमारा जो आज का 11वां वीडियो है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी के बारे में, जो कि टाइप ऑफ मेमोरी, मेमोरी हमारी कितने प्रकार की होती, कैसे वर्क करती है, उसके बारे में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के बारे में जानने की कैसे, मतलब जो कितने प्रकार की मेमोरी थी क्या, उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे ग्राफिकली इसको बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। मैंने यहाँ पर बनाया, सबसे पहले हमारी मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। ठीक है, अभी हमें जानते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी हमारी वो मेमोरी होती है जिसको कंप्यूटर पर्सनल यूज में लेता है। जैसे कि मान लेते हैं जब उसमें कोई काम करना होता है तो CPU सबसे जो हमारा कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, कोई भी काम करना होता है तो वो पहले हमारी हार्ड डिस्क से कोई भी डेटा उठाकर लाता है, फिर उसे रैम में रखता है, देन उसके बाद उस पर वर्क करता है और उसको फिर से क्लोज करके हमारी हार्ड डिस्क में ले जाता है। तो हमारी जो जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें हमारा सारा काम हो रहा होता है कंप्यूटर के जरिए। ठीक है, कंप्यूटर को सेकेंडरी मेमोरी में कोई काम करना है बस उसमें क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी जो भी हमारा डेटा होता है उसको वहाँ पर स्टोर करता है लाने और ले जाने का काम, बाकी जो काम होता है जहाँ पर उसे हम रैम या रोम बोलते हैं। ठीक है, तो पर्सनल यूज में कंप्यूटर ज़्यादातर रैम को ही और रोम को ही लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी दो तरह की मेमोरी आ जाती है जिनको हमारा कंप्यूटर प्राइमरी प्योरिटी देता है जिसको पर्सनली यूज करता है। ठीक है, तो यहाँ होती है रैम और यहाँ होती है रोम। ठीक है, और अब सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी में बहुत सारी डिवाइसेस आ जाती हैं जिसका यूज हम डेटा स्टोर करने के लिए करते हैं। जैसे कि हमने मान लिया कि जिसमें हम सबसे पहले हमने यहाँ पर कुछ देख लेते हैं, जैसे HDD यहाँ पर हमारी हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव, इसके बाद CD ड्राइव और इसके बाद होगी पेन ड्राइव। ठीक है, इसके बाद हो जाती है हमारे कोई भी स्टोरेज डिवाइस दे देती है, जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, CD हो गया, SSD हो गया, मेमोरी कार्ड भी ले सकते हो आप, और भी इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हो जाता है, पहले होता था आपने फ्लॉपी डिस्क देखी होगी, सर नहीं देखी होगी तो मैं आपको इमेज में दे दूंगा, वरना आप इसका जो इमेज जो भी फर्स्ट वीडियो लिंक दे दूंगी या फिर आपको जो एंड ऑफ द स्क्रीन उसमें वीडियो दे दूँगी जहाँ पर आपको मैं फ्लॉपी डिस्क दिखा दूंगा। फ्लॉपी डिस्क वैसे मैं बता देता हूँ कुछ ऐसी होती थी जिसके अंदर एक मैग्नेटिक टेप लगा होता है। ठीक है, यहाँ पर एक स्लाइडर होता था, जब वो अंदर जाती थी तो वो अपना स्लाइड होकर हट जाती थी। इसके अंदर एक डिस्क होती थी जो कि फिल्म यानी कि प्लास्टिक टाइप में होती थी प्रोटेक्ट, तो उसके यहाँ एक केस के अंदर बंद होती जिसमें ज़्यादा स्टोरेज नहीं होती थी, 4 से 5 MB तक का डेटा स्टोर कर सकती थी। ठीक है, तो वो फ्लॉपी डिस्क भी होती थी। अब ये जो सारी एक्सटर्नल डिवाइस होती हैं जो कि बाहर से भी आप लगा सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम कहते थे सेकेंडरी डिवाइस में रखते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में रखते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारी जो रैम होती है वो क्या होती है। ठीक, तो रैम का हमारा फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो जो हमारी रैम होती है इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी ये क्यों होता है, क्यों, क्योंकि ये हमारे जो कंप्यूटर में काम हो रहा होता है ये जो भी डेटा अपने पास रखती है वो रैंडम ही, इसके पास डायनेमिक डेटा ही होता है। ठीक है, अब हमारी जो रैम होती है रोम होती है इसके अंदर एक चीज़ होती है को मेमोरी हमारी दो तरह की होती है, जो हमारी रैम होती है वो हमारी क्या होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। अब वोलेटाइल आपको पढ़ने को मिलेगा तो वोलेटाइल का मीनिंग होता है कि ऐसी मेमोरी जिसके अंदर कोई भी डेटा आप हमेशा के लिए नहीं रख सकते, यानी कि वोलेटाइल होती है, जो भी आप डेटा रखेंगे वो कुछ टाइम के बाद ये चला जाएगा, यानी कि जैसे ये रैम से करंट जाता है कंप्यूटर ऑफ होता है तो इसके अंदर जो भी डेटा होगा सारा डेटा क्या होगा इसके अंदर से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी जो रैम होती है वो क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। इसके अंदर जो डेटा होता है वो क्या होती है, वोलेटाइल डेटा होता है, वोलेटाइल मेमोरी होती है, टाइल मेमोरी होती है। तो क्या होता है, जो भी हमारे इसके अंदर डेटा होता है, मान लीजिए हमने जब तक काम किया, ठीक है, हमने बहुत सारी एप्लीकेशन खोली, अब आपने देखा होगा कि जैसे हमने बहुत सारी एप्लीकेशन खोलो और जैसे हमने कंप्यूटर लाइट अचानक से लाइट चली जाती है और जब हम दोबारा से ओपन करते कंप्यूटर तो जो भी वहाँ पर काम हमने सेव नहीं किया होता और हम कोई काम कर रहे होते तो जैसे ही लाइट जाती और दोबारा से पावर ऑन करते तो क्या देखते हैं कि हमारा वो सारा डेटा क्या होता है, ख़त्म हो चुका होता है एक बार लाइट कट होने के बाद, उससे बोलते हैं हम वोलेटाइल। ये हमारी मेमोरी होती है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, रैम होती है जो वोलेटाइल मेमोरी होती है, जो कि जैसे ही लाइट हमारी कट होती है वो सारा डेटा क्या होता है, इरेज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने रैम के बारे में जाना। इसके बाद हम जान लेते हैं रोम के बारे में। तो रोम हमारी ऐसी मेमोरी होती है जो नॉन वोलेटाइल होती है। ठीक है, इसमें एक बार जो डेटा आ जाता है
वो डेटा डिलीट नहीं होता है, ठीक है। जो हमारे रूम होता है इसका नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब ये कैसे वर्क करती है, तो रैम रोम आपने देखी होगी कि आप जब भी हमारा फ़ोन जब पावर ऑन करते हैं, ठीक है, तो आपने देखो कि सैमसंग आपका जिस कंपनी ब्रांड का फ़ोन होगा उसमें सैमसंग हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो, वो लोगो हमेशा आता है। आप कुछ भी कर लीजिए, आपका सॉफ्टवेयर डिलीट हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो सैमसंग का नाम है पावर ऑन होती है वो हमेशा आएगा। क्यों? क्योंकि क्या कंपनी वाले ने हमेशा उसके अंदर सेव करके रखा है रोम के अंदर, इसके अंदर जो भी डेटा होता है वो कभी इरेज नहीं होता, ठीक है। तो रोम के अंदर उन्होंने डाल के रखा कि मेरी कंपनी का नाम क्या है, सैमसंग है, रूम के अंदर सैमसंग लिख दिया है, ठीक है, सैमसंग लिख दिया है। अब सैमसंग लिखा है तो क्या होता है, रूम के अंदर एक बार जो डेटा आ गया तो डिलीट तो होने नहीं है, चाहे उसको कंप्यूटर बंद हो, आप कुछ भी करो, डिवाइस आपका ख़राब हो जाए, जब कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका जो डेटा है वो रूम के अंदर वो कैसे भी नहीं उड़ेगा नहीं, यानी कि कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तुम्हारा रीड ओनली मेमोरी, तो इस मेमोरी को आप एक बार डेटा डालने के बाद खाली पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट तरह की होती है, एक रोम होता है, ईपी रोम होता है, और ईईपी रोम होता है, पी रोम होता है, तो इनके डिफरेंस डिफरेंस जो भी आपकी मतलब टाइप के रोम होती है वो भी हम बताते हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं, रोम हमारी ऐसी मेमोरी होती है जिसके अंदर कोई भी डेटा एक बार आ जाता है तो वो कैसे भी करके डिलीट नहीं होता, ठीक है। तो वो हमारी रोम हो गई, ठीक है। अब रोम के बारे में अंदर बात करें तो रोम के अंदर तीन टाइप होते हैं, ठीक है, एक पी रोम होता है, ई पी रोम होता है, और ईईपी रोम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर टाइप की बात करें तो इसके अंदर तीन टाइप होते हैं, ठीक है। पहले होता है पी रोम, पी रोम, फिर दूसरा होता है ई पी रोम, ठीक है, पी रोम, और इसका तीसरा होता है ई ई पी और यहाँ पर रोम, ठीक है। अब इनका क्या मतलब होता है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं, जो हमारी यहाँ पर मैं इसे रैम को डिलीट कर दूँ, अगर आपको समझ कर रखना है आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए, और अगर नहीं लेना है तो आप एक बार पढ़ लीजिए समझ के चलिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अगर इसके याद रखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने नोट करने के लिए आपको बोला था कि हमारी चीज़ में आपको नोट नहीं बनाने जरूरत है, तो आप नोट मत कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी जानकारी के लिए, ताकि आपको याद रख सके। तो ठीक है, मैं यहाँ पर इस रैम को हटा देता हूँ फिलहाल। अब इनके हम जो भी जो शॉर्ट और लॉन्ग फॉर्म में, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। तो हमारे जो पी रोम, हमने रीड ओनली मेमोरी इसका बता दी, ठीक है। तो जो हमारा पी रोम होता है वो क्या होता है, जो प्रोग्राम, ये जो हमने रोम के बारे में बताया कि रीड ओनली मेमोरी होता है, पी रोम के बारे में बात करते हैं। तो पी रोम होता है, प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल बल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। या फिर ऐसे करते हैं कि आपको प्रोग्राम हर हर क्या होता है, आप तीनों के पीछे देखोगे रोम मिल जाएगा, ठीक है। तो रोम को हम बार बार नहीं लिखेंगे, जानते हैं कि रीड ओनली मेमोरी होती है, इसके आगे का जो पी या ई पी लगा उसके बारे में समझ लेते हैं। तो हमारा जो पहला पी रोम होता है वो क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। अब ये हमारी ऐसी मेमोरी होती है कि रोम जो हमारी पी रोम होती है, एक तरह का, जब हम लोगों ने जाना कि एक बार नोकिया वालों ने पहले फ़ोन निकाल दिया कि जिसमें नोकिया डाल दिया कि हाथ मिला रहे वापस में, ठीक है। तो क्या होता है कि बाद में अगर कंपनी का लोगो चेंज होता है तो उसे कैसे चेंज करने की समस्या आ गई थी, ठीक है। तो उसके बाद एक अपग्रेडेशन लाया रोम में, तो क्या होता है कि इसको को यूजर्स अपने जरिए कुछ प्रोसेस करके, जैसे कि आपके पास जैसे एक बार आपने डेटा डाला तो इसको आप दोबारा से किसी मैग्नेटिक फील्ड या ऐसे कुछ जैसी चीज़ें होती थी जिसके जरिए इसको आप दोबारा से एक बार रीयूज कर सकते, यानी कि इसको प्रोग्राम कर सकते थे, ठीक है, अपने जरिए, यानी कि जो एक बार लोग हो गया वो उसे किसी और टेक्निक के जरिए से आप इसे चेंज कर सकते थे इसके अंदर के डेटा को, ठीक है। वो हमारा पी रोम हो गया, ठीक है। थर्ड हमारा आता है ई पी रोम, ठीक है। तो ई पी रोम क्या होते हैं, तो ई पी रोम होता है हमारा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो इसका हमारे मतलब होता है दूसरे नंबर का इरेजेबल बल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, बाकी का वही आ जाएगा, ठीक है। तब इसके अंदर क्या होता है,
तो एक जब ऐसी भी बहुत समस्या लेके इसे भी आसानी से नहीं अपग्रेड किया जा सकता था पी रोम को, तो हमारी फिर से एक अपग्रेडेशन लाया गया रोम के अंदर, जिसने क्या किया कि जो हमारी ईपी रोम होती है, ईपी रोम के अंदर जो इरेजेबल प्रोग्राम होती है, यानी कि इसको आप इरेज कर सकते हैं, इसको नाम से पता चला होगा कि एक इरेज। अब यहाँ से लाया कि आपको एक इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, यानी कि जो कि रेडियो वेव भी मान सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए आप इसमें इस मेमोरी के जैसे ऐसी कुछ देखने में ये होती है सिस्टम में रोम, ठीक है। तो क्या होता है कि इसे एक फील्ड के जरिए, जो यानी कि जो जो भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट होती है, उसके जरिए आप इसे इरेज कर सकते हो, तो दोबारा से आप डेटा अपना स्टोर कर सकते थे उसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर एक फीचर था जो कि इरेज करने का था, इसे आप वैसे आसानी से यूज नहीं, इसको पहले सिस्टम में से निकालना पड़ेगा आपको, जैसे मदरबोर्ड में आपके अगर ये मेमोरी है तो पहले उसे निकालना पड़ेगा, पी रोम में निकालना पड़ता था, लेकिन ये जब से इलेक्ट्रॉनिकल आया तो उसमें आप लगे लगे ही आप मैग्नेटिक फील्ड के जरिए, एक मशीन होती थी जो उसके ऊपर लगा देते, तो आप उसको रख कर वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फील्ड जनरेट करके आप अपना डेटा इरेज करके नया डेटा राइट कर सकते थे उसके अंदर, ठीक है। ये हमारा ई पी रोम हो गया। लास्ट में हमारा बचा है कि ई पी रोम, ठीक है। तो इसी को आप हटाते नहीं, इसके अंदर एक और वर्ड जोड़ते, यहाँ पर हो जाता है इलेक्ट्रॉनिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रिकल। अब इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब ये हमारे इसी के अंदर एक और फीचर्स ऐड होता गया, जैसे ही हमारी जनरेशन बढ़ती गई रोम की, तो क्या हुआ कि फीचर्स यहाँ पर ऐड होता गया, ठीक है। तो ऊपर से नीचे हम पहले आ रहे, तो हमारे एक न्यू फीचर हर बार अपग्रेड हुआ ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। जब ये भी हमारे सिस्टम में कम पड़ने लगा, जब ये जो भी रूम बनाने वाले ने सोचा, कंपनी ने जब डिवाइस में आप रूम लगाते तो इसको भी आसानी से यूज करने में दिक्कत आई, तो हमारे रूम में फिर से एक बार अपग्रेड लाया गया। उसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकली, यानी कि जैसे कि आप लेजर लाइट देखते हैं, ठीक है, लेजर लाइट के जरिए जो कोई ब्लू लाइट होती है, तो लेजर लाइट के जरिए आप क्या हो सकते थे, इस रोम को जो ई इलेक्ट्रॉनिकल प्लग इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी होते हैं, यानी कि ई पी रोम, इसको आप क्या होते हैं लाइट, यानी कि जो हमारी लेजर लाइट होती है उसके जरिए आप इसे इरेज कर सकते थे और राइट कर सकते थे, ठीक है। अब आप इसे मदरबोर्ड में लगे लगे, जो कि हमारी पहले मशीन लगानी होती जो कि रेडियो वेव या फ्रिक्वेंसी पर चलती थी, तो उसके जरिए क्या हुआ कि एक लेजर लाइट पे एक बेस इन्होंने चीज़ लाई, जिससे आप क्या होते थे लेजर लाइट से आप अपनी रूम को इरेज कर सकते थे डेटा को, और उसके बाद नया डेटा उसमें डाल सकते थे, मैनी टाइम इसमें डेटा डाल सकते थे। ऐसा नहीं था कि दो तीन बार इरेज हुई तो उसके बाद लिमिट ख़त्म हो जाएगी, तो इसमें आप कई बार इसको अपग्रेड कर सकते थे अपनी ज़रूरत के हिसाब से, कि जिसमें पहली बार नोकिया डाल, दूसरी बार सैमसंग डाल दिया, तीसरी बार किसी और कलर को डाल दिया, तो ऐसे आप कितनी बार इसे अपग्रेड कर सकते हैं लेजर लाइट के लिए, ठीक है। तो ये हमारी तीनों रोम जो कि अपग्रेडेशन हुआ, इसके बारे में हमने जाना। अब जान लेते कि ये हमारी दोनों जो हमने रैम और रोम पढ़ा, ये हमारी दोनों प्राइमरी मेमोरी हुआ करती थी, ठीक है। इसके बाद एक और मेमोरी यहाँ पर बढ़ जाती है, ठीक है, होती है, जहाँ पर क्या होता है कैश मेमोरी, ठीक है। कैश मेमोरी हमने शुरुआत में भी एक वीडियो पहले में पढ़ा था, कैश मेमोरी क्या होती है, तो यहाँ पर कैश मेमोरी, यहाँ पर मार्कर नहीं चल रहा है, मैं नया मार्कर ले लेता हूँ। अब कैश मेमोरी के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, कैश, ठीक है, कैश, ये कैश लोग बोलते हैं, कुछ भी कैसे भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक मेमोरी होती है कैश मेमोरी, ठीक है, वो भी वो कैश या रजिस्टर, ये दोनों होते हैं रजिस्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जान लेते हैं, हमने फर्स्ट प्राइमरी जो मेमोरी होती है उसके बारे में हमने जाना, अब सेकेंडरी के बारे में और जान लेते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है कि वो सारे डिवाइसेस आ जाते हैं जो भी हमारे डेटा स्टोर के काम में आते हैं, जैसे हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क का क्या काम होता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा होते हैं हम परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं कितने भी टाइम के लिए। अब मान लेते हमने कुछ फ़ोटोज़ हो गया, अपनी फ़ोटोज़ हो गई, इमेज, यहाँ पर वीडियो हो गया, टेक्स्ट हो गई, कुछ फाइलें, ये सारी चीज़ें हमने अपनी कहाँ पे स्टोर, परमानेंट स्टोर कर दी हार्ड डिस्क के अंदर। अब इसको हम जरूरत के हिसाब से रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हैं कितनी हुआ, ठीक है। ये हमारे हार्ड डिस्क का फीचर होता है, ठीक है। इसके जरिए आजकल नई डिस्क आ गई जिसको हम SSD बोलते हैं, जिसको सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो क्या होता है, हार्ड डिस्क जो हमारी होती है वो हमारी मैकेनिकल वर्क करती है, उसके अंदर एक CD लगी होती है, ठीक है, मैग्नेटिक टिक, उसके अंदर एक होता है ये हेड लगा होता है, जिसके अंदर ये हेड चलता है, ये डिस्क घूमती है ऐसी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और देन उसके बाद ये हेड उसी के ऊपर मूव करता है डेटा के हिसाब से। जब हमारा डेटा यहाँ से फुल होता चला जाएगा तो बाहर की तरफ ये हेड हमारा होता चला जाएगा, ठीक है।
ये हमारी मैकेनिकल डिस्क होती है, अगर ये गिर जाती है तो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है, और ये बहुत ही सस्ती भी आती है। कॉस्ट अगर SSD की बात करें तो SSD और रैम जो हमारी होती है वो महंगी होती है। अगर आपको पॉइंट लिखना पॉइंट टू पॉइंट, तो हमारी क्या होती है जो प्राइमरी मेमोरी में रैम आती है वो महंगी रैम मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वो हमारी कम, जैसे हमने 8 GB की रैम ली और 8 GB की रैम हमारी समथिंग आएगी कितना, 1000 रुपये में आज के समय में। लेकिन अगर हम वही बात करते हैं कि 1000 रुपये में अगर हम हार्ड डिस्क ले जाए तो हमें 1000 रुपये में हार्ड डिस्क 500 GB तक मिल जाएगी, ठीक है, 1000 GB मिल जाती है अगर आप सेकंड हैंड खरीदेंगे। लेकिन जो रैम होती है हमारी वो महंगी होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो डेटा होता है डायनेमिकली होता है, और उसके अंदर चिपसेट लगा होता है जो कि एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर 1 बिट डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है हमारी जो रैम होती है वो महंगी आती है। क्यों? क्योंकि उसकी वर्किंग स्पीड फास्ट होती है हार्ड डिस्क से, थी 1000 गुना भी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारी मैकेनिकल, अब ऐसी में एक इसकी जगह आ गई SSD। तो SSD का क्या काम होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव इसका फुल फॉर्म होता है, लिख लीजिए आपको लिखना हो। बाकी सॉलिड स्टेट ड्राइव मैकेनिकली की जगह इसके अंदर चिप्स लगी होती है, छोटी छोटी चिप्स लगी होती हैं जो कि वैसे ही एक ही बोर्ड के अंदर PCB के अंदर बहुत सारी चिप्स होती है। तो इसमें अंदर कोई मैकेनिकल काम नहीं होता, अगर ये गिर भी जाती है तो क्या होता है इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। और इसके अंदर कैपेसिटर रजिस्टर का सेट होता है जो कि चिप्स को मिलकर बनाता है, ठीक है। तो ये वेट में हल्की होती है, करंट भी कम कंज्यूम करती है, और स्पीड इसकी इससे हार्ड डिस्क के 100 टाइम बेटर होती है, ठीक। तो ये हमारी SSD होती है। देन उसके बाद बात करते हैं तो CD की। तो CD हमारी जो होती है वो एक ऑप्टिकल डिस्क होती थी। पहले आपने देखा कि एक प्लास्टिक की CD आती है जिसमें हम शादी, कई लोगों में आपने देखा होगा जिसके यहाँ शादी ब्याह की पहले वो वीडियो बनाई जाती, तो कि यहाँ पर सोनी करके डिस्क होती। अब इसकी लिमिट की, हमने हार्ड डिस्क की लिमिट की बात करें तो हार्ड डिस्क आपको यहाँ पर बताना भूल गए, लेकिन हार्ड डिस्क अगर आपकी है तो हार्ड डिस्क आपकी आपको 100 GB से आप जितनी भी लेना चाहते हैं मैक्सिमम आप होते हैं 18 TB तक, यानी कि टेरावाइट। अब डेटा के बारे में हम बात कर लेते हैं, कर लेंगे आगे बताएंगे कि जो TB होता है वो कितने तरह का डेटा होता है, ठीक है। तो इसका हम बात कर रहे थे यहाँ पर सोनी डिस्क की, ठीक है। तो सोनी डिस्क जो सोनी ऑप्टिकल डिस्क जो होती थी हमारी CD ड्राइव, तो CD ड्राइव में क्या होता था कि ऑप्टिकल डिस्क होती है, इसमें एक बार जो डेटा हम रीड कर देते थे वो हमेशा बार बार राइट कर सकते थे, लेकिन दोबारा उसे इरेज करके दोबारा यूज नहीं कर सकते, ठीक। वो हमारी ऑप्टिकल डिस्क होती थी। अब इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये 4.7 या फिर इसे 5 GB तक ही मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी होती थी। एक बार ये मतलब डेटा रीड हो जाने के बाद ये दोबारा राइट, मतलब एक बार राइट हो जाने के बाद दोबारा रीड हो सकती थी, राइट नहीं हो सकती। ये हमारी CD ROM थी, ठीक। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी जो पेन ड्राइव होती है वो भी, तो पेन ड्राइव आप जानते हैं बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट साइज करते हैं, 64 GB हो गया, 128 GB, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी GB लेते हैं। लेकिन उसमें भी पेन ड्राइव में जनरेशन होती है, आप जनरेशन जितना लेटेस्ट लोगे उतनी हमारी पेन ड्राइव क्या होगी, फास्ट होगी, ठीक। तो हमारी पेन ड्राइव जो भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आती है, जो कि आप बाहर से USB के थ्रॉट लगा सकते हो CPU, जो कि USB का फुल फॉर्म होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक। इसके बाद मेमोरी, ऐसी मेमोरी यहाँ पर हो गया फ्लॉपी डिस्क एक ऐसी डिस्क होती है, मैंने अभी बताया था यहाँ पर कि इसके अंदर एक टेप होती थी AC ऑप्टिकल डिस्क की तरह। तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक टेप होती है प्लास्टिक के पेपर, जो कि अंदर एक फोल्डर में बंद होती थी। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 4 या 5 MB तक ही होती थी, इसलिए धीरे धीरे आना बंद हो गई। अब बात कर लेते हैं कि हमारी जो कैश मेमोरी होती है, रजिस्टर मेमोरी मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा जोड़ा था, ठीक है, यहाँ पर प्लस पॉइंट किया था। तो कैश मेमोरी क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले कैश मेमोरी बताते हैं, कैश मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो पर्सनली CPU के पास होती है। ये इन सभी प्रकार की मेमोरी से रैम से भी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है। रैम सबसे फास्ट होती है इन दोनों मेमोरी में अगर बात की जाए, लेकिन जो हमारी कैश मेमोरी होती है वो रैम से भी ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी से भी फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि CPU सीधे CPU के अंदर ही होती है। और क्या होता है, जब भी हमारा स्विचिंग जैसा काम होता है, जो जल्दी जल्दी स्विच CPU बहुत मल्टीपल काम करता है, तो जल्दी जल्दी स्विचिंग कर रहा होता है, तो उस टाइम पे कैश मेमोरी हमारी काम देती, साथ देती है उसका डेटा स्टोर करने में, देन वहाँ से जो भी स्विचिंग का काम करने में। तो CPU जो कैश मेमोरी होती है वो बहुत फास्ट होती है। देन इसकी अगर बात करें कॉस्ट की, तो ये कॉस्ट बहुत महंगी होती है, क्योंकि ये अलग से तो आती नहीं, ये देन उसी CPU के अंदर ही फिक्स होती है कि 4 MB कैश, 8 MB कैश, ये CPU जो हम लेते हैं उसी के अंदर फिक्स होती है कि कितनी उसकी कैपेसिटी है। तो ये हमारी कैश मेमोरी सबसे ज़्यादा फास्ट होती है, सभी ड्राइव मतलब जो भी डिवाइस हैं CPU में स्टोरेज की, उन सभी के अंदर सबसे ज़्यादा फास्ट होती है वो कैश मेमोरी होती है, ठीक है। देन उसके बाद आती है रैम, फिर उसके बाद आ जाती है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जो कि फास्ट होती है, ठीक है।
अब हमने बात बताया था कि जो रैम होती है वो आपका डायनेमिकली डेटा यानी कि वोलेटाइल मेमोरी होती है, तो क्या होती है जैसे ही लाइट जाती है तो हमारी क्या होती है मेमोरी का सारा डेटा इरेज होता है, ठीक है। लेकिन रोम ऐसी डिवाइस होती है हमने इस कि एक बार डेटा डाला तो वो दोबारा कभी डिलीट नहीं होती क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल होती है, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है वो नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल दोनों ही होती है, या आप इसे जितनी टाइम भी आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं और दोबारा से अपना डेटा राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने बताया था कि हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो साइज़ है यानी कि हमारे डेटा स्टोर करने का जो साइज़ होता है वो हम उसके बारे में बताते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको इरेज कर देता हूँ आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इतने पे ही बता देता हूँ कि यहाँ पर डेटा कितने तक, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हमें यहाँ पर जाना होगा MB से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। KB से स्टार्ट करते हैं 1 KB से, तो यहाँ पर KB हमारा डेटा होता है KB यानी कि किलो वाइट, इसका मतलब होता है किलो बाइट। फिर इसके बाद होते MB मेगा बाइट, इसके बाद होता है GB तो गीगा बाइट, उसके बाद होता है TB टेराबाइट। देन उसके बाद एक और होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो कि हमारे ये ऊपर से नीचे डेटा हमारा पड़ता है जो वो चला जा रहा, तो यहाँ पर होता है टेराबाइट और देन इसके बाद होता है पेटाबाइट यानी कि PT, यहाँ पर KB और PB पेटाबाइट, PB हो गया हमारा पेटाबाइट। ये हमारी कुछ डिफरेंट मतलब साइज होते हैं डेटा के जिसको हम यूनिट यानी कि बिट में नापते हैं यहाँ पर। अब इस डिफरेंट डिफरेंट यूनिट कहलाते हैं डेटा की, कितने हमने जैसे मान लिया तो मोबाइल लेने गया तो मार्केट में तो कितने GB का है, कितने स्टोरेज है उसमें, तो 64GB 128, तो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के हिसाब से रखा गया है मेमोरी को। तो यहाँ पर मेमोरी की बात कर लेते हैं तो KB हमारा जो होता है वो KB जो डेटा होता है वो 1000 जब हमारा क्या होता है 1024 KB डेटा हो जाएगा तब हमारे जाके बनेगा 1 MB यानी कि यहाँ पर मैं हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी। इससे छोटी भी यूनिट होती है, इससे बिट होती है, बाइट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बिट बाइट होती है लेकिन उसको हम इतना नीचे नहीं देंगे, तो यहाँ पर हम KB की बात करते हैं, ठीक है। तो जब हमारा 1000 यानी कि मार्कर नहीं चला, 1024 KB डेटा हो जाता है तब हमारा डेटा क्या होता है 1 MB पे शिफ्ट हो जाता है यानी कि 1 MB हो जाता है, ठीक है। जब हमारे 1 MB से 1024 MB डेटा हमारा हो जाता है MB, तो क्या होता है हमारा फिर बन जाता है 1 GB, ठीक है, गीगाबाइट। अब 1 GB जब 1024 GB हमारे पास डेटा हो जाता है GB के बाद, तो हमारा क्या होता है 1 PB हमारा डेटा बन जाता है, ठीक है। ये यूनिट होती है डेटा को मापने की, तो ऐसे हमारा डेटा बढ़ जाता है जो कि हर बार 1024 होने पर हमारा एक जो भी हमारे यूनिट है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो पहले हमारे KB पे जब 1024 KB हमारा डेटा हो जाएगा, उसके बाद हमारे 1 MB पे शिफ्ट हो जाएगा, जब 1024 MB होंगी तो हमारा 1 GB पे शिफ्ट हो जाएगा, और देन उसके बाद अगर हमारे पास 1024 GB डेटा होगा तो हमारे पास 1 PB पे शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारी यूनिट होती है डेटा की, इससे पहले बिट होता है फिर बाइट होता है, ठीक है। 1 बिट यानी कि बिट होता है और इससे पहले मार्कर चनीला ये बाइट होता है, बाइट, ठीक है। ये दो यूनिट और होती है डेटा की, 8 बिट के अंदर जब हमारा 8 बिट होता है तब हमारा डेटा क्या होता है 1 बाइट होता है, ठीक है। ये हमारी यूनिट होती है कुछ और डेटा की, यहाँ पर मैं ये यहाँ पर लिख के यहाँ पर बिट देन बाइट डेटा, ये हमारी सारी क्या होती है डेटा की यूनिट होती है जिसको हम डिफरेंट डिफरेंट साइज डेटा को नापते हैं। जो हमारी सबसे छोटी यूनिट होती है वो हमारी बिट होती है, फिर बाइट होती है, फिर KB, फिर MB, फिर GB, फिर TB और PB, ठीक है। ये हमारी यूनिट होती है कुछ डेटा को नापने की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जरूर से, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करें, तो आप प्लीज़ वीडियो को हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए ताकि उनकी मदद की जा सके। देन मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, उसमें पढ़ेंगे कुछ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसमें हम शायद पढ़ेंगे इनपुट सिस्टम और इनपुट
और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, तो हमारी वीडियो आई होप आपको ये पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए फटाफट से, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।